अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद दानियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सोराब बोर्ड पे। आइए यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके के जानवर यहाँ पे आए हैं। जी मेरे अकब में आप देख सकते हैं बड़ा ही बाहरी और तगड़ी जानवर है। बादल की ये जो बादल है इसकी कीमत तकरीबन 7 लाख है और इसका वजन 35 मन है, और जो बबलू है उसकी कीमत 40 लाख है और इसका वजन 35 मन है, और ये जो गडाब से आए हैं इनको क्या खिलाई पिलाई करते हैं जो माशाल्लाह इतने तगड़े और जो है? इनको 1 महीने में हमने दूध पिलाया है 3 लाख रुपये का। 1 महीने का दूध इनका 3 लाख रुपए। एक जानवर का दूध 3 लाख रुपए का? दोनों का 3 लाख रुपए का। अच्छा जी हाँ। तो दूध के अलावा क्या खिलाते हैं? दूध के अलावा चोकर और सारे बहुत मिक्स वंडे होते हैं वो खिलाते हैं इनको। लोग आ रहे हैं आपके पास? जी हाँ, इसकी डिमांड हुई है 40 लाख हुई है, मगर हम इसकी डिमांड कर रहे हैं तकरीबन 60 लाख। 40 लाख में नहीं दे रहे हम। जी इस वक्त मैं जिस फार्म पे मौजूद हूँ यहाँ के जो जानवर हैं मैं आपको बताते चलूँ, ये सब पाक पटन से लाए हुए जानवर हैं। आइए इनके जो है मालकान से बात करते हैं कि ये जानवर कितने के हैं और आखिरी और ज़्यादा से ज़्यादा कितने तक के जानवर हैं। हाँ जी बताइएगा, ये कहाँ से लाए हैं आप जानवर और कितने कितनी मालियत के ये जानवर हैं? ये पाक पटन से लाए हैं जी। कितने तक के जानवर हैं कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने तक के जानवर हैं आपके फार्म? आपके पास मेरे को 28 माल है। 28? हाँ 28। कितने तक का जानवर है आपके पास महंगे से महंगा? 3 लाख। 3 लाख का जानवर है? हाँ 30 लाख। 30 लाख? 30 लाख रुपए तक का आखिरी जो जानवर है? आखिरी जानवर है 30 लाख का। अच्छा, तो उनकी खिलाई पिलाई क्या करते हैं? खिलाई पिलाई चरा मरा खाना है, चटने पाने हैं, छोलियाँ दे आटा पा रहे हैं कणक का इस तरह। हाँ जी। आप खुद पालते हैं सारे जानवर? खुद पालने हैं आप, साल भर पालने हैं जी। एक और हम कैटल फार्म में मौजूद हैं तो मेरे कैमरामैन अवेश दिखाएं कि किस तरीके का जो है माशाल्लाह खूबसूरत जानवर है ये, और उसकी हाइट देखें, उसकी खूबसूरती देखें माशाल्लाह। जी ऑस्ट्रेलियन बेल मेरे सामने खड़ा हुआ, आइए इससे बात करते हैं। ये रो क्यों रहा है ये बेल? जी बताएंगे रो क्यों रहा है आप? क्या बोल रहे हैं यार, धूप है, धूप की वजह से रो रहे हैं बेचारे। बाकी ये शाम में जो है ये लोग अच्छे खासे फिट रहते हैं ये। गायें और बैल तो आपको दिखाया, उसके बीच में बेचारे छोटे छोटे से ये बकरे हैं, तो ये देखें किस तरीके खूबसूरत ये बकरे हैं। तो भाई कुछ बकरे हैं? नहीं भाई ये कुछ नहीं बकरे, बाकी ये है कि कैसा लग रहा है यहाँ पे? हाँ सोराब बोर्ड की मंडी में कैसा लग रहा है? नहीं भाई कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे, ये मालिकों की तरह ये भी कुछ नहीं बोलना चाह रहे यहाँ पे। आपको एक बहुत खूबसूरत और छोटा सा टेडी जानवर आपको दिखाते हैं जिसका नाम गेनी है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि ये किस तरीके का छोटा सा जानवर है। इसके लिए मुझे नीचे बैठना पड़ेगा तो मैं कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा सा दिखाएं इसकी खूबसूरती के किस तरीके का ये खूबसूरत जानवर है। इसके बारे में हम बात भी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जानवर कितने का है और इसका कद कितना है और जो है इसकी डिमांड क्या है। आइए मेरे कैमरामैन को कहूँगा इधर थोड़ा सा। अच्छा भाई ये टेडी जानवर है, इसका नाम क्या है? इसका नाम गेनी बोलते हैं हम इसको। अच्छा गेनी नाम है इसका? जी जी जी। तो माशाल्लाह इसकी डिमांड क्या है भाई? इसकी डिमांड हमने रखी है 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख का जानवर है। अच्छा तो इसको खिलाते पिलाते क्या है, खिलाई पिलाई क्या है इसकी? अलग अलग चीज़ें हैं, दूध है, वंडा है इसका, कुत्तर है, दलिया है, बहुत सारे आइटम है।
तो इस गेनी की कोई डिमांड वमांड लगी है, कोई आए लोग देखने? जी जी बिल्कुल लगी है डिमांड, लोग मांग भी रहे हैं। इंशाल्लाह सौदा 19-20 पे एक दो दिन में इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा सौदा। चले ये टेढ़ी गाय का भी सौदा जो है 19-20 पे इंशाल्लाह हो जाएगा। मजीद आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के और जानवर यहाँ पे मौजूद हैं। आइए जी, यहाँ पे कुछ व्यापारी बैठे हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके पास जो है किस तरीके के जानवर हैं और कितने तक का जो है जानवर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साईं आपका नाम? मोहम्मद साजिद जी। अच्छा साजिद भाई, ये बताएं कि कितने दिन हो गए यहाँ आए? रात ही आए हैं जी। अच्छा रात ही आए हैं, कोई आया देखने? देखने तो बहुत आते हैं, लेकिन जानवर ठीक होंगे तो इंशाल्लाह बिकेंगे। चले अच्छा ये बताएं आपके पास कितने से कितने तक का जानवर है, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा? कम से कम है जी 1.5 लाख का भी, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 लाख का भी है। तो अभी तक कोई जानवर गया? नहीं अभी नहीं, अभी रात को ही आए हैं। चलें बहुत शुक्रिया। बाकी हमने व्यापारी से बात करी और जो है लोग आ रहे हैं और मंडी ये है कि देखने में आ रहा है कि अभी तो शाम में ज़्यादा रश होता है और दिन में जो है अक्सर लोग जो है कम निकलते हैं। पिचासी हज़ार अब तक जो है जानवर मवेशी मंडी में उतर चुका है, 6 लाख जानवर की यहाँ पे गुंजाइश है और मुतवक्का है कि 4 लाख जानवर जो है यहाँ पे मवेशी मंडी में उतरेगा। उसके अलावा मैं बताता चलूँ यहाँ पे जो है पानी जो है 16 लीटर फी जानवर जो है ये फ्री फराहम किया जाता है, बिजली यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त है। डॉक्टर की मेडिकल टीम जो है मवेशी मंडी से अंदर आने से पहले डॉक्टर की टीम जो है उनका मुआयना करती है, उसके बाद ये टीम सब अंदर आती है और 4000 एकड़ पर ये जगह कायम है। और जो है मज़ीद जो है दिन के औकात में जो है रश थोड़ा कम होता है और जैसी रात होती है और जो है ख़रीदारों का रश जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान सैयद दानियल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।